फिर जावे ता जावे सादा सिखी सिद्ध ना जावे फिर जावे ता जावे सादा सिखी सिद्ध ना जावे मारू महला पहला मनमुख लहर कर ताज विगूचै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी साजी नवाजी गुरु खालसा साहब संगत जीओ अंतरजामी सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी पखंड का खंडन करदे होए सिद्ध नावे पीर नावे तीर्थ सिद्धां दा सिद्ध पीर तीर्थ है दखण ते उथे बैठ करके सिद्धां नाल चर्चा कर रहे हन। एक सन्यासी महाराज दे पास आ गया। उस सन्यासी ने कहा जी सन्यास धारना ही चंगा है। ता सुन के गुरु महाराज साहब जी परम पवित्र जिहदे मन च त्याग है नहीं सी उतों ही बनौटी त्याग वेख करके हजूर पवित्र बाणी अगली उचारदे हन। मारू महला पहला मनमुख लहर कर ताज विगूचै। महाराज साहब कहिंदे भाई जिन्हां ने अपने मन नूं मुखी बनाया होया है सतगुरु नानक देव जी फरमाउंदे हन उह मनमुख हुंदे है। मनमुख दे चार लक्षण हन। एक तां दुखी नूं वेख के खुश हुंदा है किरपा नहीं करदा। दूसरा मनमुख दा लक्षण हुंदा है किसे नूं सुखी वेख के मैत्री भाव नहीं करदा दुखी हुंदा है। अते तीजा प्रताप वेख के सड़दा रहिंदा ताप चढ़ा रहिंदा है। चौथा जिहड़ा आखे ना लगे उहनूं जरूर मनाउण दी उपदेश देण दी इच्छा करदा रहिंदा है। इह मनमुख दे लक्षण हनगे। सो हजूर फरमाउंदे हन मनमुख लहर कर ताज विगूचै। जिहड़ा मनमुख पुरश है भाई लहर करता जी विगुचै नार मरै कर संपत नासी मूड मुंडाए पए सन्यासी इस्त्री मर गई घर दी भभूति नाश हो गई। चलो कहिंदे जगत मिथ्या है मूंह सिर मना लिया ते अपने आप नूं सन्यासी कहाउण लग गए। ते डौं ग्रिस्ती नालों वध लगी हुई है जिहड़ी तृष्णा दी है। सो इस प्रकार मनमुख लोक जिहड़े हन उह लहर उठी है पदार्थ दे नाश होण तों इस्त्री दे नाश होण तों ते घर बार छड के मनमुख लहर कर ताज विगूचै। ए विगूचै पाठ तां नहीं किसे पोथियां दी वेखो तां अंकुल नाला कि दुलंकी ही है दुलंकी है विगूचै च। मनमुख लहर कर ताज विगूचै। मनमुख जिहड़े लोक हन लहर उठी वराग दी आया बुला पाउण दा चढ़िया कख आकाश ਕਹਿੰਦਾ ਟਹਿੰਦਾ ਟਹਿ ਪਿਆ ਕੱਖ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦ ਵਿਰਾਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿਰ ਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਇਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਲ ਜਲਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਚ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਚ ਵੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਝਾਟੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਛੋਕੇ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨਮੁਖ ਲਹਿਰ ਘਰ ਤਾਜ ਵਿਗੂਚੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿੰਚਿਤ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਗੁਚਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀਰੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਈ ਮੰਗ ਪੈ ਲਵਾਵੇ ਮਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲਵਾਏ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਘਰੋਂ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਲਾਨੇ ਘਰੋਂ ਸੁੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਰਾਇਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਏ ਭੇਖਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ
पर स्त्री का वाचक समझना मुख। गृह धर्म गवाए सतगुर ना पीटे, वो आपके गृह धर्म गवा लिया। हल बाहना सी, खेती करनी सी, दुकान करनी सी, व्यापार करना सी, अते इस काम नू सारे नू छड़ दिता। ग्रह दे ग्रस्त दे धर्म नू गवा दिता। एका नारी जती हुए परना, पर नारी ती पहने वो खाने, ये गुण आने सीना पुरख दे अंदर। ये ग्रस्त दा धर्म सी, जो ग्रह करे तो धर्म कर, नहीं तो कर वैराग। वैरागी बंधन करे ताको बड़ो उपाग। ग्रस्त धर्म सारे धर्मां च अपार सी, उस ग्रस्त धर्म नू गवा बैठा। सतगुरु ना पीटे, सतगुरु साहब जी पूरे मिले नहीं, ताइए भटकदा फिरदा भेखा विच। दुरमत घूमन घेरे, ये खोटी मत दी ऐसी घूमन घेरी पई हुई है, जिवें पानी दी घूमन घेरी पिछे पैंदी है। जिनी चीज उहदे जांदी थल्ले निकलदी जांदी है, इह खोटी मत दी घूमन घेरी च पए हुए जीव वकारा दे विच निकलदे जा रहे हन। ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਭਵੈ ਪਾਠ ਪੜ ਥਾਕਾ, ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਸੁਧ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਏ ਵਧੇਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਮਿਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸਹਿਜ ਖੱਟੇ ਲਾਕੋੜ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਵਾ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਘਣੀ ਬਹੁਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਚੀ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ, ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਚਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨੇ ਜਾਣਦੀ। ਉਧਰ ਭਰੈ ਜੈਸੇ ਢੂਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰਿਓ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਉਂ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ, ਪੇਟ ਭਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਬਾਬਾ ਐਸੀ ਰਬਤ ਰਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬਾਬਾ ਹੇ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਹੇ ਪਾਂਬਰ ਤੇ ਬਖਈ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਗਿਆਸੂ ਸੋਹਣ, ਐਸੀ ਰਬਤ ਰਵਾ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਐਸੀ ਰਬਤ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਬਤ ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਦਾ ਹੈ, ਰਬਤ ਕਥਾ ਦੇ ਤਾਂ ਰਵਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਬਤ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਅਰਸਾ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ, ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚੰਗੇ ਅਰਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਕੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲ ਲਿਆ ਗੇਰੂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਵੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੰਗ ਚਾੜ ਲਿਆ ਲੀੜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ। ਵਸਤਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ, ਵਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗ ਤਾਈ। ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਨੀ ਰਾਮ, ਮਖਣੀ ਰਾਮ, ਦੁੱਧ ਰਾਮ, ਇਉਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ। ਕਾਪੜ ਫਾਰ ਬਣਾਈ ਖਿੰਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਲੀੜੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਪਾੜ ਕੇ ਖਫਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੰਦ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੀੜਾ ਕਿਲੋ, ਹਵੇ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਰੇਂਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਝੋਲੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਤੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭਿਖਿਆ, ਝੋਲੀ ਪਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਧਾਰਾ ਪਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇ ਜੀਵ ਪਹਿਲੀ ਜੈ। ਹੈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
वह झोली च पा पा के लोगों का ठगी मारदा है। घर घर मंग जग प्रभ प्रबुद्ध है, घर घर आप तो मंगता फिर है टुकड़ा टुकड़ा, ते जगत नू प्रबुद्ध है समझाउंदा भी जगत मिथ्या है, इस प्रकार समझाउंदा लोगों नू फिरदा जीआं नू, ए आप मंगण दी आदत नहीं छुट्टी, वाहिगुरु ते भरोसा नहीं रखता है। मन अंध है पातहारी, एह जिहा मन अंधा सन्यासी किवें हो सकदा है, अपनी इज्जत ही उन्हें हार ली है, काम क्रोध नू बेपत कर दिता है। भरम भुलाना शब्द ना चीने, ऐसा भरम दे भुलन चाह रहा है परमेश्वर ने, इनू भरम दे विच प्रेम लाउंदा करके भुला दिता है, माया ने भरम च पा के भुला दिता है। शब्द ना चीन, सतगुरु साहब दे शब्द उपदेश नू ब्रह्म नू नहीं चीने जानदा। जुए बाजी हारी, दिशा रूपी जुआ च अपनी मनुखा जन रूपी बाजी इसने हार दिती है। अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे, अंदर तृष्णा दी अग इनी चिंबड़ी हुई है, ईरखा दी अग इनी चिंबड़ी हुई है, इनी अंदर इच्छा रूपी अग चिंबड़ी हुई है, सतगुरु साहब के उपदेश रूपी जल तो बिना बुझ नहीं सकती, निवृत्त नहीं हो सकती। बाहर कुंवर तापे, ते बाहरों धूणियां तौंदा फिरदा है, चार धूणियां जेठ दे महीने जदों लोकां पिड़ां च आए होण दाणे, उस वेले चार धूणियां ला के गोहा दीआं बैठ जाणियां, उत्तों सूरज ने पंजवां तपना के बाबा जी धूणियां तौंदे है, मगरों लोकां नूं कहना मैनूं अग्राही कर दे मैं जग करूंगा, इस प्रकार की हालत करते हैं। बाहर बाहर पूर तप, बाहरों पूर ना धूणिया का, पांच धूणिया ना, एक सूरी ते चार चार सपेरे ला के अंगीठे बैठ जाना, इस प्रकार बाहरों धूणिया तौंदा है। गुर सेवा बिन भगत ना होवी, सतगुरु साहब की सेवा करी तो बगैर भगती तो नहीं किसी प्रकार हो सकती। क्यों कर चीनस आपै, अपने आत्मा नूं किवें जान सकोगे, आत्मा स्वरूप का जान ही नहीं। सतगुरु बाजो गुर सेवा बिन भगत ना हो, सतगुरां दी सेवा करी बगैर परमेश्वर दी भगती नहीं हुंदी, ते गुरु साहब दी भगती बगैर परमेश्वर दा सेवन पूजन नहीं हो सकदा। गुरां दी सेवा तो बिना वाहिगुरु दी सब मेरा प्रभाव तुम देओ, इस भगती का कोई जाने पियो, ये भगती नहीं हो सकती है। क्यों कर चीनस आपै, अपने आत्मा नूं किवें जान लवेगा जिन्ना चिर भगती नहीं करदा है, सारे च आत्मा रूप नहीं जान सकदा है, जिन्ना चिर आप नूं ज्ञानी मनी बैठा बाकियां नूं अज्ञानी मनी बैठा है। निंदा कर कर नरक निवासी, अते जिहड़े महापुरख संसार दे मोह तों रहित हन, वाहिगुरू दी भगती च रंगे होए है, अचाह पुरखां ने उन्हां प्यारे निंदिया करदा रहिंदा है, निंदा कर कर नरक निवासी, निंदिया दे कम नूं करके नरक दे विच निवासी हुंदा है, अंत नरक च पैंदा है। अंतर आत्म जापै, अंतर आतस जापै पाठ, दमे साहिब दे पाठ समझना, अंदर आतस तृष्णा दी अग है, तृष्णा दी अग जानी जांदी है, आत्म दूसरा पाठ है, अंतर आत्मा वल्लों अंतरा पिया होया है, आत्मा देह दे अंदर अपने आप नू जानदा कि मैं देह हां मैं देह हां, हर वक्त अंतर आत्मा वालों अंतरा पिया होया है, ते देह नू ही चार वाकिए देह नू ही आत्मा मानते हैं, इस प्रकार आत्मा वालों अंतरा फर्क पिया जानीदा है, जान नहीं सकदा स्वरूप नू। अंतर आतस जापै, अंतर आतस जापै, अंदर तृष्णा दी अग जानी दी है लगी हुई, अठ सठ तीर्थ भरम बगुचे है, अठाठ तीर्थां दे जो भरम विच पिया होया बगुचा खराब हुंदा फिरदा है। क्यों मल धोपै पापै, किस प्रकार पापां दी मैल नूं इह धो सकेगा, निवृत्त नहीं हो सकदी। छाणी खाक विभूत चढ़ाई, कहिंदे इरनी गोहां दीआं सुआह कर लेंदे है, जेड़े बाहर गोहे सुके हुंदे है पशुआं दे कीते होए एरना गोहा कहिंदे है, उन्हां दी सुआह बना के कपड़ छान कर लेंदे है, ओह कहिंदे छान करके खाक सुआह नूं भूत चढ़ा, ओहदा नाम भभूती रख लेंदे है, भभूत चढ़ा ली सुआह मल लेंदे शरीर ते। माया का मग जो है, अधेरा माया दा भी कोई मैनूं पानी लई लई आउंदा दुध को नहीं, संत भगत राम उस राम भगत राम जी हमीदी आले ये बलासी सन, कहिंदे असीं एक दिन कहा भी चलो हुण
इथे बैठे ही मंगवावांगे। कोई आदमी माई के रूड़ी देते बच्चे दी मैल सिटन आई मैं के मेनू खानी गर्भी दुध ही ले आउंदी है। इस प्रकार की हालत होंगी है माया का मग जो है वो माया दे राह नूं तक जांदे मेनू इधरों भी आउंदा पदार्थ इधरों भी आउंदा है। अंतर बाहर एक ना जाने अंदर भी बाहर भी एक रात रूप परमेश्वर नूं नहीं जानदा है। आज कहे ते शो है जे सच गल की है तो गुस्सा बड़ा है अणहोया ही भार चक्की फिरदा गुस्से दा लाल सुरख हो जाता है लोहे अर्गा पाठ पढ़े मुख झूठो बोले उत्तों का व्याकरण दे पाठ पढ़ वेद पढ़े मुख मीठी बाणी जिया को इतना संगे प्राणी ते पाठ पढ़ पढ़ के सुनाउंदा है मुख झूठो बोले मुंह झूठ ही बोलता है धारण नहीं है धारणा तो हीना है लोगों नूं सुनाउंदा है आप नहीं धारण करदा। निगुरे की मत ओ है इसे करके गुरु नानक साहब तो बिना सतगुर बाजो गुर नहीं कोई निगुरे का है नाम बुरा ये निगुरिया की मत यही जी है ओहे जेड़ा सुभाव दस्या है। नाम ना जपई क्यों सुख पावे महाराज सारे अमृत नाम नु भाई जपदा नहीं सुख किस प्रकार पावे बिन नावे क्यों सोहै ते नाम तो बिना शोभा किवें पावेगा लोक परलोक च नहीं शोभा पावेगा। मूड मुंडाए जटा सिख बादी कहंदे मुंह सिर मना लिया मूड मुंडाए जोसद पाई मुक्ति भेज ना गईया काई जे कहने मुंह सिर मनाने करके ही मुक्त हो जाए तां मुक्त हुई भेर कोई बवाना ते चढ़ के संख बजाउंदी हुई रणसिंघे बजाउंदी जांदी किसे नहीं देखी छी महीनी भेल मुन्नी जांदी है। इस करके वह मूड मुंडाए सिर मना लिया जटा सिख बादी ते जां जटा रख लिया देखो तेल लाउणा सी केसी नहाउणा सी उन्हां च सुआह पा ली ये जुआ पैण तो सुआह पा पा के जटा बन लिया सिख नाम चोटी रख ली बोधी बेचारे जे रख दी कद्दू दी डंडी च नहीं रखते है वो जटा ते सिखा उत्ते बोधी रख ली मौन रहे अभिमाना ते जे कोई कहे बाबा जी कहने मौन धारिया साडा बड़ा अहंकार है कहीं बोलते नहीं हो ले इस गल का भी अहंकार चक्की फिरते है बाणी नहीं बोलनी भजन नहीं करना अदब नहीं करना एदा अहंकार है कि मौन रखते असि मोहन पुणे का अहंकार चक्की फिरते हैं गुंग मोहन काष्ट मोहन जड़ मोहन आदि सुभा तारे हुए है। मनुआ डोला हाँ ये गल है किसी न झगड़ा पाउण तो बिना तो महाराज ने कहा चुप है चंगा नानका बिंडा है मुंह गंध पर परमेश्वर के नाम वालों जी मोहन रखनी है अहंकार चक्की फिरना वो यूं क्या चार पाव दो सिंह गुंग तब कैसे गुन गई है ठेंगा पर है तब कद मूड लकई है। मनुआ डोले दह दिस धावे मन भटकदा फिरदा है पदार्थों च दसो दिशा च दौड़दा फिरदा कि इधरों भी पदार्थ मिल जाए इधरों मेनू कोई चंगा पदार्थ मिल जाए। बिन रत आत्म ज्ञाना ये हालत उन्ना चिर है जिन्ना चिर आत्म स्वरूप दे ज्ञान च प्रीति नहीं है। बिन रत आत्म ज्ञाना आत्म स्वरूप च प्रीति नहीं है जिन्ना चिर प्रीति उन्हां च नहीं जिन्हां च आत्मा सुख का ज्ञान नहीं है ज्ञाना जाने तो बिना आत्म सुख की प्रीति तो यही जी हालत है। अमृत छोड़ महाबिख पीवे अमृत नाम नूं छड बैठा नकारा महाबिख शराब नहीं छड़दा तमाखू नहीं छड़दा पराई निंदिया नहीं छड़दा ए बाली जहर पींदा फिरदा है। माया का दीवाना ए माया दा कमला कीता होया भूतना बनाया होया है। किरत ना मिटई हुक्म ना बुझे महाराज दा हुक्म है परमेश्वर दा सेवन करना पई प्राप्त मानख दे हरिया गोविंद मिलन के तेरी बरिया ए हुक्म नु बुझदा नहीं है। इस करके जेडे कीते मंद कर्म है वो फल दे के जरूर रहिंदे है ए मिटदा नहीं इस नु ओहा जो सुभाव बनाता है। पशुआ माहे समान जिवें पशुआ नूं ढुड मारन दी आदत हुंदी सिंग मारन दी आदत हुंदी है इसे प्रकार आदमी बन के भी तर्क मारना नहीं हटदा आदमी बन के भी किसी नूं भला बोलन दी जाच ही नहीं सिखदा क्यों पशुआ दे विचों भी समान पशु है। पशु तो हुंदे ने इक कोतल पशु उन्हें च समान खच्चर ते खोते वह कोतलां दे इस्त्री पुत्र दा चारा ढोण वाला ही रख्या होया है क्यों पशुआ चो एक समान पशु की नहीं आई है पशुआ की जून ची समाया होया में मनुख का चामी उत्ते पाया होया है। इस प्रकार पशुआ की जून च समाज करतूत पशु की
मन जात होवेगी। हाथ कमंडल कापड़िया फिर कहते ब्रह्मचारी बन गया हूं, हाथ विच कमंडल फल लिया, कापड़िया गेरी रंगी वस्त्र पहन ले, केदारनाथ ते जान वाला बन गया कापड़ी का। मन तृष्णा उपजी भारी, मन च तृष्णा बड़ी भारी लगी हुई है, दुआ नो पदार्थ मेरे को बहुता होवे। स्त्री ताज कर काम व्यापिया, अपनी स्त्री जेडी धर्म वाली सी प्रमाण सी, जिस वेद शास्त्र करके औलाद चलनी सी अते दुनिया च कोल चलनी सी, ओ अपनी धर्म दी पत्नी छड़ दित्ती ते काम दे विच ऐसा फसिया होया, एक अपनी स्त्री छड़ के 100 चेली बना ली, इस प्रकार परायां स्त्रियां चित लाई बैठा है। सिख करी कर सावध ना कीने, फिर कहना मैं तेरा गुरु हां, गुरु बन के भी उन्हां दे नाल व्यभिचार करदा, सो सिख करे सिख बनाउंदा उन्हां नूं, शब्द नूं उका ही नहीं जानदा है, ऐसा पंबर है। लंपट है बाजारी, लंपट परायां स्त्रियां च फसिया होया है, बाजारी मशकरा है, जिस प्रकार नकलिए नकलां लाउंदे मशकरे हुंदे है, इस प्रकार दा है। अंतर बेख बाहर ने भ्रांति, अंदर तां विषयां दी इच्छा है ते बाहरों कहिंदा मैनूं भ्रांति संसा कोई है ही नहीं, ने भ्रांति बनिया फिरदा है, नरसंस बनिया फिरदा है। जम करे खुआ ताइए ना भाई पखंड करदा करके जम खराब करेगा, सतगुरु जी फरमाउंदे हन। सो सन्यासी जो सतगुरु सेवै, हे महाराज सन्यासी कोई हो भी सकदा है? महाराज कहिंदे हां सन्यासी बन सकदा है जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह दा सेवन करे। रेमन ऐसो खल सन्यासा, मन से सगन सवे कर समझो, मन ही माह उदासा, जबकि जटन जो को मंजन, नेम के नखन बढ़ावा है। इस प्रकार के साथ संघ जी धारना वाला सन्यासी बन सकता है, हजूर फरमाउंदे हन। सो सन्यासी जो सतगुर सेव, वो सन्यासी हो सकता जो सतगुरु सच्चे पातशाह का सेवन करे। विचों आप गवाए, विचों आपा भाव अंदरों मेट देवे गवा देवे। साधन भोजन की आस ना करी, उत्तों का तृष्णा बहुत ही है अंदरों, ते उत्तों कहने हमारे को वस्त्र की और भोजन की ही जरूरत है। महाराज कहने अपना इच्छा रखे साधन भोजन की, चंगा मेनू वस्त्र मिले, मेनू चंगा चोखा भोजन मिले, ए आस ना रखे दिल च। अजंत मिला सो पाए, अचों चेत सुखे सिद्ध जो, चाहे मिस्सी रोटी मिले, चाहे दाल मिले, चाहे सुखी मिले, फरीद जी ने कहा फरीदा रुखी सुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, इस प्रकार का जीवन होवे। अचिंत मिले सो पाए, जो अचिंत चेत सुते सिद्ध धर्म दे सहित होवे, ऐसी ना होवे धर्म तो रहत होवे, गिरावट करने वाली होवे, गुरमत तो उल्ट होवे, सिखी धर्म तो बे जेड़ी नाश करने वाली होवे, धर्म नूं इही जी खाण ना खा खुराक ना खावे, उन्हां कहे भी बाबा जी नूं आउण दिओ, सण मलाया ही सानू की है, जो कुछ आवे वरत लांगे, शराब की बोतल नहीं छड़नी, सब कुछ पासे रगड़ जाना, ऐसे जे सुभाव हन। सो इत्थे धर्म दे सहत होवे जिहड़ी ते चिरवणी तो रहत, जो सुते सिद्ध होवे ओ अमृत तां घर का साग, महाराज जी दसम पातशाह लिखे है घर का साग भी उन्हूं अमृत करके मने, इस प्रकार चिंत सुते सिद्ध जो मिले उन्हूं प्राप्त करे, खा लवे प्रसन्न रवे। बकै ना बोले खिमा तन संग्रह, बकवास ना बोले, साडी उत्थे बिरती टिकी हुई है, साडी रब नाल झगड़ा पिया रहा है साडा, असी रब नूं ऐ कहा भी साडा बचन मन तां असी मात लोक जावांगे, अहे जे बकवास ना बोलदा रवे, झूठ ना बोले, वक्ता हो के बकवास ही ना करे, धारण भी करे। बका ना बोला खिमा तन संग्रह, खिमा जिहड़ी धारण करनी है किसी नूं माफ कर देना औगण वेख करके, अते अपने धर्म दृढ़ रहना, यही जी खेमा ना करे पराए करन के मैं माफ करना, आपदे धर्म नूं भी बिगाड़ बैठे, खेमा रूपी धन संग्रह एकत्र करे। तामस नाम जलाए, जेड़ा तमो गुण है ना सुभाव क्रोधी, ये महाराज नाम करके जल ना करे, नाम का अभ्यास करके मिटदा है। धन गिर ही सन्यासी जोगी, धन ओ गृहस्थी है जे प्रेमी है जो है, ते धन ओ गृहस्थी है सन्यासी है, धन ता योग हो,
ਤੇ ਯੋਗੀ ਵੀ ਉਹ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਿਤ ਲਾ ਲੇ ਯੋਗੀ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਯੋਗੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਿਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ ਜੋੜ ਲਵੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਸਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਣ ਆਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਈ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰੇ ਲਾਵੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਸਾਤ ਆਵੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਏ ਨਿਜ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਚ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿਚ ਤਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਰੇ ਮਨੁਆ ਨਾ ਡੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਨ ਨਾ ਭਟਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬਗਾਨੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲ ਉਸਤਤ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਸਮਦਮ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰਮਤੀ ਖੋਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨੌ ਨਿਦੰਬਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ 88,000 ਵਾਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਾਮ ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨ ਪਤਾਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਾ ਪਸੰਤੀ ਬੈਖਰੀ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਗਗਨ ਪਤਾਲੀ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਜੇ ਵਸਿਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗਗਨ ਚ ਸਿੱਧ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਤਾਲੀ ਪਤਾਲਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਤਾ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਤਾ ਚ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਸੁਖ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਬਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਰਬ ਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮ ਖੜਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੂਟ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ ਤਰ ਤੂੰ ਤਾਰੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤਾਰੀ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ।